अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, होप यू विल बी फाइन। सेवन क्लास, आज जो है हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 5 टच स्क्रीन जेस्टर्स। टच स्क्रीन के 5 जेस्टर्स आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है, कि किस किस तरह जो है वो टच स्क्रीन विंडो 8 में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, टैप एंड टैपिंग में क्या होगा। वंस एन ऑब्जेक्ट ओपन सेलेक्ट एक्टिवेट्स द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द सेम एज क्लिकिंग विद द माउस। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना होगा, सेम क्लिक करेंगे माउस से। प्रेस एंड होल्ड है, प्रेस एंड होल्ड का मतलब है कि जब एक चीज़ को आप लोगों ने ओपन करना है या मतलब मैं इसको रीड कर देती हूँ। प्रेस योर फिंगर डाउन एंड होल्ड इट इट फॉर अबाउट अ सेकेंड। देखिए, प्रेस एंड होल्ड का मतलब है कि आप एक की को प्रेस करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए उसको प्रेस किए रखेंगे, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड ये होगा। टिपिकली दिस ओपन अ विंडो दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम और ओपन अ मेन्यू स्पेसिफिकेशन टू द आइटम। दिस इज़ अ सिमिलर टू राइट क्लिकिंग विद अ माउस। ये सेम इसी तरह है जिस तरह माउस से राइट क्लिक करते हैं। ये क्वेश्चन असल में जो है वो आप लोग माउस से किस किस तरह जो है वो क्लिकिंग के कौन कौन से ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं, ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, वैसे है नहीं है। टैप टैपिंग में जो है वो राइट मतलब सिंपल एक दफ़ा क्लिक करना, प्रेस एंड होल्ड में ये सेम लाइक राइट क्लिकिंग, ठीक है। पिंच एंड स्ट्रेच में जूम और जूम इन और जूम आउट जब आप लोग किस तरह कर सकते हैं। स्लाइड स्लाइडिंग में ये है कि आप लोग जब वो खुद बार बार एक चीज़ को ओपन ना करें, कंटिन्यूसली उसको चला दें, वो खुद ही चलती रहेगी, ठीक है। प्रेस एंड स्लाइड है, वही सेम स्लाइड किस तरह चलती है, पहले एक पेज ओपन होगा फिर खुद ही नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 थे टच स्क्रीन के जेस्चर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, ये जैसे आप लोगों को इस पेज पे साइड पे जो है वो एक लाइन शो हो रही है और नीचे भी, तो ये हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उसको टास्क बार कहते हैं। ये आप लोगों ने इस पे एक नोट लिखना होगा, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे ईजिली आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए, राइट व्हाट इज़ अ वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। इफ़ वी हैव अ सिंगल मोनीटर अटैच्ड टू आवर कंप्यूटर, वी हैव वन स्क्रीन डेस्कटॉप ऑन विच टू रन ऑल आवर एप्स। एक मोनीटर है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उसमें एक स्क्रीन है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं और वो क्या करता है, सारी ऐप्स को रन करता है। दिस इज़ फाइन फॉर लाइट यूज़। ये मतलब कम जो घरों में हम लोग लाइट यूज़ क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग मूवीज़ गेम्स ड्रामास ये देखते हैं, लाइट यूज़ है, ठीक है। सच एज स्विचिंग बिटवीन अ ब्राउज़र एंड अ प्रोग्राम विच सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इफ़ वी हैव लॉट्स ऑफ एप्स रनिंग करेंटली वी कैन क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। अब हमने ये जो घरों में हम सिंपल उसको लाइट यूज़ करते हैं, अगर ऑफिस में कोई ऑफिसेस में वर्ड पे फाइल्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक्सेल पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो इसके लिए जो है वो डेस्कटॉप यूज़ होगा, वो क्या होगा, उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। इफेक्टिवली दे आर एक्स्ट्रा मोनीटर्स एंड वी कैन हैव अ मैनी एज वी नीड। इसमें क्या होता है, एक ही कंप्यूटर यूज़ नहीं किया जाता, बहुत से कंप्यूटर होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं आपस में, ठीक है, और फाइल्स एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही है, आगे भी एग्जांपल्स दी हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ब्लैंक्स के जस्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ, या सॉरी मैं आपको चले रीड कर देती हूँ। नंबर 1 देखिए, ये आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करनी है। विंडोज 10 रिटर्न्स द स्टार्ट मेन्यू टू इट्स पोजीशन एट द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। सेकेंड है, कॉर्टेना इज़ अ पर्सनल असिस्टेंट दैट फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये असिस्टेंट जिस तरह होते हैं ऑफिसेज में, इस तरह ये आप कंप्यूटर में एक असिस्टेंट है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है। 3 देखिए, विंडोज 10 हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर यूज विद टच स्क्रीन माउस एज वेल एज ट्रेडिशनल कीबोर्ड। 4th, टैपिंग इज सेम एज क्लिकिंग विद द माउस। 5th, क्लिक एनी वेयर ऑन द लॉक स्क्रीन टू एक्सेस टू साइन इन स्क्रीन। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखिए आप लोग,
नंबर वन देखिए, द पॉपुलर द पर्पस ऑफ द डेस्कटॉप इज टू प्रोवाइड एन इजीली एसेसिबल लोकेशन वेयर यू कैन पुट शॉर्टकट्स टू प्रोग्राम्स एंड फीचर यू यूज ऑफन थ्रू. सेकेंड देखिए, द टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन. जी सही, फॉल्स है ये, टॉप पे ही नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल भी होता है, ठीक है. थर्ड देखिए, व्हेन विंडोज 10 स्टार्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर टेकन टू द शट डाउन स्क्रीन. फॉल्स, ये तो गलत है जी, क्योंकि जब हम पहली दफ़ा स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको शट डाउन स्क्रीन नहीं करनी पड़ती, ठीक है. उसमें फोर्थ देखिए, विंडो 10 में है ये, ठीक है. अच्छा फोर्थ देखिए, वी कांट मूव रिमूव और ऐड टाइल्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू. फॉल्स, ये भी गलत है. हम जो टाइल्स जो आपके पास आइकन्स मतलब आइकन्स को ही टाइल्स का आ गया है, उसको आप लोग ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है. फिफ्थ देखिए, विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस डी क्रिएट्स अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप. इट इज़ ट्रू, ठीक है. ये आपका जो है वो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू सो मच.